जब भी मैंने शुरुआत किया था वेट लॉस करने के लिए, तभी मैंने कुछ भी डाइट प्लान फॉलो नहीं कर रहा था। पानी पूरी जिसमें 6 पूरी होती है उसमें आपको 600 आई गेस 500 टू 600 कैलोरीज मिलेंगी। हे गाइस, मैं गेस्ट आशीष, वेलकम बैक टू अ न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप डाइट प्लान एक लंबे समय के लिए फॉलो कर सकते हो। अभी न्यू ईयर रेजोल्यूशन का टाइम चल रहा है, सब लोग ने वेट कम करने का तो डिसीजन लिया ही रहेगा, लेकिन यार सब लोग आके फेल हो जाते हैं डाइट प्लान पे, क्योंकि इसको लंबे समय के लिए कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड आज मैं कुछ फैक्ट्स या डाइटिंग मिस्टेक के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम फंडामेंटल थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए जब भी आप डाइट प्लान कर रहे हो, जब भी आप वर्कआउट रूटीन फॉलो कर रहे हो। सो कीप वॉचिंग एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। सो गाइस, लेट्स बिगिन विद पॉइंट नंबर 1 व्हिच इज स्टिक टू द बेसिक्स। लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो स्टार्टिंग में ही फैंसी चीज़ों के पीछे भागने लग जाते हैं, लाइक नॉर्मल राइस को स्किप करके ब्राउन राइस खाने लग जाएंगे, रोटी को स्किप करके भाकरी खाने लग जाएंगे, एंड दीज आर नॉट अ बैड ऑप्शन। लेकिन जब भी डाइटिंग शुरू कर रहे हो इन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ नॉर्मल घर का खाना भी खाओगे, दाल चावल, दाल रोटी, रोटी सब्जी, इससे भी आपका वेट कम हो सकता है। जब भी मैंने शुरुआत किया था वेट लॉस करने के लिए, तभी मैंने कुछ भी डाइट प्लान फॉलो नहीं कर रहा था। मैं बेसिकली सिर्फ घर का खाना खा रहा था, बॉइल्ड फूड खा रहा था, सैलड्स खा रहा था, ये सब चीज़ों पर जिंदा था मैं। एंड उसके बाद मैं धीरे धीरे मेरा डाइट प्लान चेंज किया जैसे जैसे मेरे को चीज़ें सूट करने लग गई थी। सो इट इज़ द वे यू शुड गो फॉर इट। क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग नॉर्मल दूध को छोड़ के लो फैट मिल्क पीने लग जाएंगे, लोग नॉर्मल पनीर को छोड़ के लो फैट पनीर खाना शुरू कर देंगे। तो दीज आर द थिंग्स विच पीपल टेंड टू डू वाइल दे आर जस्ट स्टार्टिंग विद द डाइटिंग, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है। सो कीप दैट इन माइंड एंड स्टिक टू द फंडामेंटल्स, स्टिक टू द बेसिक्स, फोकस करो इन चीज़ों पर, ना कि फैंसी चीज़ों पर। सो मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 2 विच इज डोंट ईट फूड विच यू डोंट लाइक। अभी अगर आप सुबह उठ के ओट्स खा रहे हो एंड अगर आपको ओट्स खाना नहीं पसंद है तो यार मत खाओ, आपको कोई ज़बरदस्ती पकड़ के खिला तो नहीं रहा ना, उसके वजह से खा रहे हो ओट्स। बेसिकली आपने डाइट प्लान बना रहेगा, आपने सुना रहेगा कहीं से कि ओट्स बहुत ही अच्छे होते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, बट अगर आपको नहीं पसंद मत खाओ। ओट्स के ऑल्टरनेटिव ऑप्शन रेडी रखो, लाइक म्यूसली खाना शुरू करो, उपमा खाओ, बेसन का चीला, पनीर, यू कैन ईट पनीर सैंडविच, देर आर सो मेनी ऑप्शन आउट देयर। चेक ऑन YouTube इफ यू वॉन्ट, आई कैन मेक अ वीडियो ऑन इट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो ऐसे आपको ऑल्टरनेट ऑप्शन रेडी रखने हैं ताकि आप कभी भी एक पर्टिकुलर ट्रैक में आके फंस नहीं जाओ। एंड जब भी लोग शुरू करते हैं इस चीज़ को, लोग बोलते हैं कि स्टार्टिंग में तो खा लेते ओट्स खा लेते, बाद में सूप पीना शुरू करेंगे, बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाना शुरू करेंगे, लेकिन यार एक या दो महीने के बाद में आके थक जाएंगे और बोलेंगे नहीं हो रहा, डाइटिंग इज़ वेरी टफ। लेकिन एक्चुअली डाइटिंग टफ नहीं है, तुम लोग जो चीज़ें खा रहे हो अगर तुमको ही वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही है तो फिर डाइटिंग करने का मतलब ही क्या हुआ। आपकी बॉडी को वो चीज़ें सूट होनी चाहिए, आपकी बॉडी उससे खुश होनी चाहिए, आपको कुछ ऐसी चीज़ें खानी चाहिए दैट विल हेल्प यू टू लूज वेट एंड एट द सेम टाइम इट विल सेटिस्फाई योर बॉडी। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 100% सेटिस्फाई होने वाली चीज़ें खानी है, बट सम वॉट 70% तो खा सकते हो, 70% तो अपनी बॉडी को सेटिस्फाई रख सकते हो, 30% यू कैन सैक्रिफाइस एंड रेस्ट ऑफ द थिंग वर्कआउट विल डू फॉर यू। गोइंग ऑन टू पॉइंट नंबर 3 विच इज स्टार्ट काउंटिंग योर कैलोरीज। अगर कैलोरी अभी तक नहीं गिन रहे हो, वर्कआउट 2021 में भी चालू रखा है, तो यार कैलोरी गिनना शुरू करो, बहुत ही अच्छी हैबिट है। अगर आप कुछ भी खाना खा रहे हो, आपके पेट में अगर कुछ भी खाना जा रहा है, यू शुड नो वॉट दैट फूड हैज, हाउ मच प्रोटीन, हाउ मच कार्ब्स, हाउ मच फाइबर इट हैज, बिकॉज जब भी आप कैलोरी गिनते हो एंड वेन यू गो ओवरबोर्ड विद द कैलोरीज, यू विल अंडरस्टैंड कि आप कितना बड़ा मिस्टेक कर रहे हो। एंड बहुत लोग उधर ही आके मिस्टेक करते हैं, लोग वर्कआउट अच्छे से कर लेते हैं, लोग डाइट प्लान फॉलो तो करते हैं लेकिन उसको क्वांटिटी वाइज मिस कर देते हैं, वहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। एंड गाइस ट्रस्ट मी, आपको हमेशा कैलोरी गिनने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग का एक हफ्ता कैलोरी गिनो, आपको अगर उसके अमाउंट याद रहने लग गए या फिर अगर आपने कहीं पे भी लिख के रखा है तो सेम कैलोरीज आप नेक्स्ट वीक खाने वाले हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। लेकिन वंस इन अ ब्लू मून आपने अगर कुछ चीज़ें ऐसी खा ली जो आपको नहीं खानी चाहिए थी, लाइक आलू का पराठा, पानी पूरी, ऐसी चीज़ें खा ली जिसकी कैलोरीज आपको सच में पता नहीं होता है, लाइक लेट मी गिव यू एग्जाम्पल, पानी पूरी जिसमें 6 पूरी होती है उसमें आपको 600 आई गेस 500 टू 600 कैलोरीज मिलेंगी। एंड मैं इवन मेरे को भी ये ढूंढ के शॉकिंग लगता है क्योंकि यार उसमें पेट भी नहीं भरता है, दैट इज़ नॉट इवन अ क्लोज टू एपेटाइजर, उसमें किसी का भी क्या हो काट लेगा, लेकिन 600 कैलोरी होते हैं उसमें, मतलब एक बिरयानी में जितना कैलोरीज होता है उतना कैलोरीज एक पानी पूरी में होता है।
तो जस्ट इमेजिन कि ये ऐसे फैक्ट डिस्कवर करोगे ना तो खुद ही कैलोरीज अपने आप गिनना शुरू कर दोगे। तो ऐसे कुछ चीज़ें खाओगे तो कैलोरी सबसे पहले गिनो, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपने कैलोरी गिनना शुरू किया है कि नहीं। एंड पर्सनली आई यूज हेल्दीफाई मी टू काउंट माई कैलोरीज। अगर आपको ये सब ऐप्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, गूगल पे सिंपली उस फूड का नाम डाल दो, आपको उसके कैलोरीज स्क्रीन के सामने ईजीली आ जाएंगे। दैट इज अनदर मोस्ट ईजी वे। सो बट लेकिन वो एक्यूरेट नहीं रहेगा, दैट इज अ प्रॉब्लम। सो मूविंग ऑन टू द लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट विच इज क्रेविंग्स। अभी इस दुश्मन को बीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यार ऑयल और शुगर पे अगर कंट्रोल कर लिया ना डाइट प्लान में, देन यू हैव कॉन्कर्ड टू मेन फोर्ट्स, एंड इस फोर्ट्स के आप राजा बन जाओगे। एंड इन दोनों फोर्ट्स के अगर आप राजा बन गए, देन आपको कोई हरा नहीं सकता डाइटिंग को पूरा कंप्लीट करने से। अगर आपने ऑयली और शुगरी फूड खाना छोड़ दिया ना, आपको किसी और चीज़ का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कैलोरी डेफिशिट करना, इंटरमिटेंट फास्टिंग करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना इन दोनों में ही आ जाती है। इन दोनों चीज़ों में इतनी ज़्यादा कैलोरीज होती है कि यू कैन नॉट इवन इमेजिन। एंड अगर आपको सीखना है कि क्रेविंग्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, वॉच माई वीडियोज ऑन यूट्यूब, मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल है मेरे चैनल पे। एंड आपको अगर कहीं पे भी लगता है कि ये वीडियो ने आपको हेल्प किया, ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल था, लाइक दिस वीडियो, शेयर करो इस वीडियो को, जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुँचाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वन। एंड यस, वन मोर अनाउंसमेंट, मैं नेक्स्ट वीक से कुछ नया ट्राई करने वाला हूँ, फिटनेस रिलेटेड ही रहेगा, लेकिन थोड़ा मैं ऑफ टॉपिक जाने वाला हूँ। सो अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं, प्लीज़ गिव अ लाइक एंड शेयर करो इस वीडियो को, क्योंकि एक नया ट्राई, नया बूस्ट मिलना चाहिए उस वीडियोस को। तो कंटेंट पसंद आ रहा है यार तो सब्सक्राइब करके जाना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो स्टे फिट एंड स्टे मोटिवेटेड। माय नेम इज यश काशित, साइन ऑफ। बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में, अब की कमी।